नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रीनएक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, इस वीडियो में सितंबर में लगने वाले फूलों के प्लांट जो बढ़िया चलेंगे, इजली आपको दीपावली तक फूल देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। ये सब प्लांट मैंने परचेज़ किए हैं, ये रखे हुए हैं, मगर आपको मैं बता रहा हूँ जो आप सितंबर में बढ़िया चलेगा उन प्लांटों की लिस्ट। तो पेंसिल और कॉपी ले लें लिखने के लिए और ऐड करें। सबसे पहले हमारा प्लांट आता है जो सितंबर में चलेगा, वो है गुलदाउदी। जी हाँ, ये सबका बहुत ही मनचाहा और फेवरेट प्लांट है, और इसको आप सीड कटिंग और एयर लेयरिंग तीनों तरीके से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको छोटा प्लांट 10 से 20 रुपए में और बड़ा जो बंचेस जो गुच्छों में मिलते हैं वो 150 के आसपास, यानी कि कॉस्टली हो जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्लांट है स्वीट पी, ये भी सितंबर में बढ़िया फूल देगा, आप इसकी सीड द्वारा जनरेटिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं। दोस्तों, इन प्लांट में ये खासियत होती है कि ये खूबसूरत फूल तो देते ही हैं, साथ में आप इसको खा भी सकते हैं, मीठे फूल आते हैं इसके स्वाद और देखने में बहुत लुभावने होते हैं। हैंगिंग प्लांटर में भी आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों, तो इन प्लांटों को आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों गेंदा, जो सितंबर में आप लगाइए, हाइब्रिड और देसी दोनों आते हैं इसमें, आप दोनों लगा सकते हैं, कटिंग एयर लेयरिंग और सीड द्वारा भी जनरेट कर सकते हैं। नर्सरी से ख़रीदना चाहेंगे तो आपको ये जो है 10 से 15 में छोटा पौध मिल जाएगा और उसको आप लगा सकते हैं इसलिए बड़ा करके और अपने बगिया को लुभावना बनाएं सितंबर के लिए। अगला प्लांट है दोस्तों डेजी फ्लावर, इसकी भी सीड द्वारा जनरेट किया जा सकता है और ये 3 से 4 महीने चलेंगे फर्स्ट क्लास। दोस्तों, इस प्लांट में ये खासियत होती है कि ये गुच्छों में एक के साथ दो, दो के साथ चार खिलते हैं और देखने में बहुत लुभावने होते हैं, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं सितंबर के लिए, अपने गार्डन में ऐड करें, खूबसूरत तो होते ही हैं और रंग बिरंगे बहुत से कलर, रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, बहुत से कलर आपको ये मिल जाएंगे। तो जो आपको मिल जाए, जो आपके पास सीड हो उसको लगा के आप जनरेट करें और सितंबर के लिए इसको अपने गमले में ऐड करें। अगला प्लांट है वर्बीना, दोस्तों ये भी गुच्छों में फूल खिलते हैं, छोटे छोटे नाक के कील के जैसे फूल होते हैं, बहुत ही लुभाने कलर होते हैं। आपको जो मिल जाए, जहाँ मिल जाए, जिस नर्सरी में जैसा प्लांट, इसको रख लीजिए, आप कटिंग द्वारा इसको इजीली लगा सकते हैं, साल भर ही चलते हैं, फूल तो साल भर नहीं देते मगर प्लांट चलते हैं साल भर, तो इसको आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। और सितंबर में लगाने के लिए अगला प्लांट है कैलेंडुला, ये पत्ते छोटे होते हैं और इसको आप 1 से 2, 2 से 4 करके इसके बेबी शकर निकलते हैं जिसे आप बढ़ा सकते हैं और खूबसूरत बहुत होते हैं, पीले, सफ़ेद, ऑरेंज, कई कलर मिल जाएंगे आपको। ये नर्सरी में आपको ये छोटा पेड़ 15 से 20 रुपये मिलेगा, आप चाहे तो सीड द्वारा ग्रो कर सकते हैं, कटिंग द्वारा भी, यानी 1 से 2, 2 से 4, तो इसको आप सितंबर में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट प्लांट है हॉली हॉक, दोस्तों ये प्लांट की खासियत ये होती है, ये समझ लीजिए कि एक के ऊपर एक जैसे खिले रहते हैं और इस प्लांट से बहुत बढ़िया जो है श्रृंगार होता है शादी ब्याह में। इसको आप 6 से 8 इंची के पॉट में आराम से लगा सकते हैं 1 से 2 पेड़ और बहुत बढ़िया चलता है ये, तो इसको आप लगाना ना भूलें। नेक्स्ट प्लांट है डायंथस, ये भी कटिंग द्वारा आप लगा सकते हैं, इसमें भी सीड बनते हैं, फूल के सूखने के बाद लास्ट में काली सीड बनती है, आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, फूल कोई भी हो खूबसूरत सब लगते हैं डायंथस के, और गुच्छों में लगाएं इसको, 4 से 6 इंची के पॉट में आराम से लग जाता है दोस्तों और ये बढ़िया चलता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों फ्लॉक्स, ये भी गुच्छों में फूल आते हैं, जो सितंबर में आप लगाएं अपने गार्डन में ऐड करें, छोटे पॉट में भी बढ़िया चलेंगे, बड़ा पॉट हो या ना हो आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, कोक की बोतल में भी लगा सकते हैं और बढ़िया चलेगा ये, सीड कलेक्ट कर लीजिए, फूल सूखने के बाद कटिंग भी लगा सकते हैं इसकी आप, और सितंबर में ये बहुत बढ़िया चलता है, इसको ज़रूर ऐड करें अपने बगिया में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लांट आता है पॉपी यानी पास्ता,
ये तो आप सभी के किचन में रहता होगा। आप चाहे उसकी सीड ग्रो कर लीजिए या ऑनलाइन मंगवा लीजिए या नर्सरी से प्लांट परचेज कर लीजिए। 7 से 8 कलर इसको आपको मिल जाएगा ये, और इसमें जब बीज लगते हैं तो बड़े ढेर सारे बीज आते हैं और खूबसूरत तो बहुत लगते हैं। छोटे पॉट में भी लग जाएंगे ये, बड़े में भी लग सकता है, और अपने हैंगिंग बास्केट में भी लगाइए आप इसको, हैंगिंग प्लांटर में। तो दोस्तों ये सब प्लांट आप सितंबर में ऐड करिए अपने बगिया में और बगिया को खूबसूरत बनाएं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं, गुड बाय दोस्तों।